आज हम एक टॉर्च बनाया है, देख सकते हो, बॉडी स्प्रे की कैन से। अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाया है, मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। इंट्रो ख़त्म और हम चलाए। देख सकते हो मैंने कैन लिया है, इसको सब काट करके रखा है, स्विच के लिए, यह है एलईडी के लिए है, यह है पिन के लिए, ये 5 mm खोले एलईडी के लिए, और ये पिन के लिए है 8 mm के आसपास। हमने इसको मेजरमेंट करके ये स्विच के लिए कट किया है। आप देख सकते हो मैं किस टाइप का स्विच के लिए कट किया हूँ, इस टाइप का स्विच के लिए। बहुत अच्छी है ये, नॉर्मल स्विच है, इससे कोई नंबर का था मुझे पता नहीं, ये नॉर्मल स्विच बोलते ही देते हैं लोकल मार्केट में, देख सकते हो। बोल के आपको नहीं दिया तो आप पूछ लीजिएगा उसका नाम क्या है। और यह है एक निकल, 5 वाट का निकल है, इसे हमारे यहाँ पर निकल कहते हैं। इसका जो पावर है बहुत है, इसका वाट है 5, बहुत डेंजरस है ये, रेडी बहुत हद तक जलती है। अब आपको बॉडी स्प्रे कैन की तरफ पीछे उठा हुआ है अंदर के, और अंदर से उठा हुआ है, ये हमको दिक्कत कर रही है, बैटरी जब हम अंदर डाल रहे हैं तो ऐसे ऐसे रह रहा है, हमको इसको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसको हम सीधा कर देंगे, इस टाइप का सीधा कर देंगे। हमने इसको सीधा कर लिया, अब देख सकते हो मुझे 10 मिनट लगा सीधा करने में। अब हम एक पिन लेंगे और एक लेंगे चार्जिंग इंडिकेटर, बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर। इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे पहले बहुत सारे लाइट बनाया हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम बैटरी को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, दोनों बैटरी को, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, पहली बैटरी का प्लस, दूसरी बैटरी का प्लस, और फिर से पहली बैटरी का माइनस और दूसरी बैटरी का भी माइनस, ऐसे है करेंगे कनेक्शन, तो इसकी एम्पियर बढ़ जाएगी और वोल्टेज सेम ही रहेगी। एम्पियर बढ़ने के कारण है ये बैटरी बहुत अच्छा बैकअप देगी। और एक बात, इसकी एम्पियर जो है वो सेम ही लेना है, मैंने इसको टेप से बहुत अच्छे से चिपका दिया हूँ दोनों को एक करने के लिए। अब मैं इसकी सोल्डरिंग करूँगा, एक नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर लेंगे और उसके बाद बैटरी के दोनों के नेगेटिव को एक कर देंगे। सोल्डिंग तगड़ा वाला करना, ये बहुत हाई एम्पियर की बैटरी है, दोनों का ही 26,000 एम्पियर की है, 1000 नहीं 100 की। अब प्लस के लिए मैं एक रेड वायर लेता हूँ और दोनों को भी बहुत अच्छे से सोल्डिंग कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा टर्न कर देता हूँ तो बहुत अच्छा होगा, ये थोड़ी मजबूत हो जाएगी। बैटरी को का एम्पियर जो है वो बढ़ गया है। अब हम इस बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर को इसमें फिट करेंगे, आपको पता है कैसे फिट करना है, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है टॉर्च की, आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं ज़्यादातर टॉर्च और इमरजेंसी लाइट फैन वगैरह हूँ कोई मैं पसंद करता हूँ, इसलिए इसका ये वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग कमेंट करो मैं किस टॉपिक की वीडियो बनाऊँ, मैं उस टॉपिक की वीडियो बनाऊँगा। और मैं एक ब्लॉग चैनल खोलने की सोच रहा हूँ, आप लोग कमेंट करो मैं ब्लॉग चैनल खोलो या ना खोलो, उसमें मैं कैसे दिखता हूँ, मेरा नाम सब पता चलेगी, आप लोग कमेंट करो। अगर आप लोगों में से 10 या 20 कमेंट करता है कि भाई ब्लॉग चैनल खोल दो, तो मैं खोलूँगा ज़रूर। और मुझे कमेंट करे फर्स्ट ब्लॉग में किस टॉपिक पे बनाऊँगा। मैं एक 5 वाट स्विच ले लिया है और उसको डायोड के अंदर कर दिया है, अब इससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब हम एक ब्लू वायर लेंगे, वो होगा नेगेटिव, अब उसको सोल्डिंग करेंगे नेगेटिव के साथ। और एक बात, डायोड की जो सिल्वर कलर की लाइन है वो रहेगा बैटरी के पॉजिटिव की तरह, और बैटरी की तरह भी रहेगा सोल्डिंग, और वो ब्लैक कलर का पार्ट वो चार्जिंग पिन की तरफ रहेगी।
सोल्डरिंग को अच्छे से कर लिया हूँ। अब ये दोनों हो गई है, अब और दोनों यार ये ब्लैक और रेड, इसके लिए मैं वायर ले लिया हूँ। ये ब्लैक हो यार, हम इसको नेगेटिव के यूज़ करेंगे, नेगेटिव की या काम करेंगे हमारे यहाँ पर। हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं बहुत अच्छे से, इसके बाद हम पॉजिटिव को करेंगे। इसके लिए हमने एक वायर ले लिया है, देख सकते हो छोटा सा लिया, क्यों लिया छोटा सा आपको पता चलेगा वीडियो में, देखते रहिए। नेगेटिव थोड़ा बड़ा ले आया हूँ, देखिए शायद आपको अगर दिखता है तो आपको पता चलेगी, इसलिए छोटा वायर ले आऊँ। अब एलईडी के लिए हमने जो एलईडी लिया है उसके ऊपर हम सोल्डरिंग करेंगे। ब्लैक वायर नेगेटिव के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एलईडी के लिए, और रेड वायर हम यूज़ करेंगे प्लस के लिए, वो होगा 1K रेजिस्टेंस के ऊपर सोल्डरिंग होगा। देख लीजिए 1K रेजिस्टेंस पर हमने सोल्डरिंग कर दूंगा, अभी कर देता हूँ सोल्डरिंग। सोल्डरिंग तो हमने कर ली, उसके बाद हम फाइबर स्ट्रिप लेंगे और उसको काट करके दोनों लेगों पे हम इसको अंदर कर देंगे। हमने 1K रेजिस्टेंस इस तरह ग्लास की तरफ हमने उसकी बड़ा हेड फाइबर स्लिप लिया हूँ, ये 2 नंबर का फाइबर स्लिप होता है आपको पता ही होगा, और एक छोटा कट करूँगा वो नेगेटिव के लिए होगा। मैं कट कर लेता हूँ, मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके रखा हूँ इसलिए कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी ना हो। और मैंने पहले भी बहुत सारे टॉर्च एलईडी लाइट इमरजेंसी का वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एलईडी के प्लस, बैटरी के प्लस और एलईडी के माइनस, बैटरी के माइनस और चार्जिंग पिन के प्लस और माइनस को बैटरी के माइनस के साथ, चार्जिंग पिन के माइनस और प्लस के साथ, प्लस बैटरी के और चार्जिंग पिन के, हमने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। अब हम यही सिस्टम को अब स्कैन में फिट करना है। हमने फिट कर लिया है, बहुत मेहनत लगी है इसको फिट करने में, लगभग 10-15 मिनट तो लग ही गए होंगे। मैंने चार्जिंग एलईडी भी फिट कर दिया है इसके ऊपर, और सारे प्लस को प्लस की साइड और माइनस को माइनस की साइड हम सोल्डरिंग करके इस फाइबर स्लिप को दे देंगे उसके ऊपर, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो। मेरे पास बस इतना ही पड़ा हुआ है और नहीं है, मैं कर देता हूँ कनेक्शन, बहुत इजी है, अब लोग बहुत अच्छे से कर लोगे मुझे पता है। और चैनल पे जो बंदा नया है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और कमेंट ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और हमें सपोर्ट करते रहे अच्छे, और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना क्योंकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ तो मुझे सपोर्ट किया करो। हमारे चैनल थोड़ा नया है, मैं ग्रो करने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहे, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा वीडियो के माध्यम से। मैंने अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है, सोल्डरिंग करने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कंजूसी किया तो गड़बड़ हो सकती है। अब हम फाइबर स्लिप को बहुत अच्छे से दे देंगे, अब हम टेस्टिंग करेंगे ये चार्ज हो रहा भी नहीं, देख सकते हो ग्रीन एलईडी ग्लो हो गया है। अब हम इसको देख लिया, अब हम इसको पैक कर देंगे। मैं पैक करके दिखा तो आप सभी को, मैंने पैक कर दिया है और बैटरी को भी बहुत अच्छे से चिपका दिया हूँ, बहुत अच्छे से नहीं चिपकाए हूँ थोड़ी बहुत। अब हम इन दोनों वायर के कनेक्शन करेंगे। हम रेड वायर लेंगे और इस स्विच के ऊपर एक साइड सोल्डरिंग कर देंगे और दूसरे साइड और एक सोल्डरिंग करके बाहर निकाल देंगे। मैं करके दिखाता हूँ आपको, और ये नेगेटिव वायर है, ब्लैक वायर मैंने सोल्डरिंग कर दिया है, और ये रेड और ब्लैक हो गया आउटपुट, रेड हो गया प्लस और ब्लैक हो गया माइनस। अब देख सकते हो मैंने स्विच ऑन कर दिया, देख दो बहुत अच्छी ग्लो है। रेड आर तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सोल्डरिंग हो जाएगी, या फिर अब दोनों में से एक में कर दोगे तो हो जाएगी। एक बार तो बहुत अच्छी से सोल्डरिंग हो जाएगी, और रेड वाला पॉजिटिव वाला
और नेगेटिव इतनी अच्छी होगा नहीं, तो इसके लिए हम जुगाड़ लगाया है। इसको हम खोल लेंगे, इसके बाद एलईडी के जिस साइड पे नेगेटिव है उस साइड पे हम सोल्डरिंग कर देंगे उस वायर को। देखिए मैं करता हूँ, हम इस वायर को वायर पर सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ, हमने सोल्डरिंग कर लिया, अब हम इसको फिट कर देंगे। सोल्डरिंग बहुत अच्छे से करना, अगर ये बहुत हीट होते हैं एलईडी, ये 5 वाट की है, अगर सोल्डरिंग कर अच्छे से नहीं करोगे तो ये गर्म होकर सोल्डरिंग हट सकती है और राइट जल भी नहीं। हम इसको नट के द्वारा टाइट कर देंगे, टाइट करने के बाद दिखा दूँगा आपको, अब देख सकते हो जल गया। हमने स्विच ऑफ किया तो ऑफ हो गया, ऑन किया तो ऑन हो गया। अब हम इसको सोल्डरिंग करेंगे, देख सकते हो मैं सोल्डरिंग कहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर। और मैं थोड़ी सी राउंड ले लेता हूँ और सोल्डरिंग कर देता हूँ। सोल्डरिंग करने के लिए मैंने सोल्डरिंग आयरन बनाई हुई है 12 वोल्ट का, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देख सकते हो बहुत अच्छे से जल रहा है एलईडी, 5 वाट की है। अब हम इसको पैकिंग करेंगे, ये बैटरी ना हिले इसलिए हमने इसको पार तो देंगे, और इसके पहले मैंने इसको चिपका डबल टेप से। अब हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे क्योंकि बहुत दिक्कत कर रही थी मुझे जब मैं पेपर डाल रहा था अंदर, देख सकते हो। अब हम इसको इसके अंदर पैकिंग कर देंगे। अब हम इसको पैकिंग करने के लिए टेप के द्वारा इसको जिपट देंगे। पहले देख लीजिए टेस्टिंग, चार्जिंग तो हो रही है बहुत अच्छे से, मैं चलाता हूँ चार्जिंग होते वक्त जल रही है, चार्जिंग में खोल देता हूँ। अब हम इसको फिट करते हैं टेप के द्वारा, जैसे हम चिपकाएंगे, अगर ग्लू गन है तो आप लगा सकते हो, मैंने फिट कर दिया है। देख सकते हो ग्लो बहुत घातक है, डेंजर से बहुत। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमारे चैनल पे जो जो नया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले हमारे वीडियो देखने के लिए, और एक कमेंट ज़रूर करें ये लाइट कैसी लगी, अच्छे से कमेंट करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मेरे पुराने वीडियो देखते रहिए।